Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and this is the continuation of the Theory of Design series. Already दो वीडियो आ चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी उनको जाकर आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उसी के बाद इस वीडियो को देखें आप, राइट. आज का जो डिस्कशन है वो है आज रिधम के ऊपर. काफ़ी कन्फ्यूजन होती है रिधम को, उसकी डेफिनेशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है समझने के लिए. बट डोंट वरी, आज का जो डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिदम होता क्या है. आप एकदम देख कर पहचान लोगे कितनी तरह के होते हैं रिदम, कैसा देखा जाता है. एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका जवाब भी हम इसी वीडियो में देंगे, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर जो पहले वीडियो में आए थे. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सिस सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया, एंड टूडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द रिदम, राइट. आई थिंक यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. बाकी तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली हैं, एंड आई एम सॉरी फॉर इट कि हम वीडियो रेगुलर नहीं लेकर आ पा रहे हैं. एक्चुअली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अभी क्रैश कोर्स पर पूरा फोकस रहता है हमारा, और आपके बोर्ड से एग्ज़ाम भी हैं. तो एट दिस टाइम आई विल सजेस्ट यू कि अपना पूरा फोकस बोर्ड्स पर दो. बोर्ड्स के बाद भी हमें टाइम मिलेगा, हम उसको कवर अप कर लेंगे. या फिर हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एवरी वीक वी कैन हैव अ 2 आवर ऑनलाइन डिस्कशन. मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, दिस इज द ArcGenesis ऐप, आप डाउनलोड करें उसको. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम 2 घंटे एवरी वीक हम आ सकते हैं. एक वी आर गोइंग डिसाइड अ टॉपिक कि हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और 2 घंटे का हम रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी एडिटिंग होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, फिर कुछ कमियाँ हो जाती हैं, उसके बाद उनको अपलोड करना होता है थंबनेल, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें करनी होती हैं. तो हम इसके जरिए बचा सकते हैं कि अगर हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो हमें कोई रिकॉर्ड करके डालने की ज़रूरत नहीं है. तो आई विश कि आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा. अगर नहीं लगता है तो बताना उसके बारे में भी, या फिर व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, ठीक है. उसके बारे में तब बात करेंगे कि कैसे प्रोसेस करना है उसको. हाँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अभी इसकी जो प्राइसेज हैं, हम लोगों ने क्योंकि जस्ट वी हैव ओनली 2 मंथ्स, तो उसका 12,000 प्राइसेज हैं और इसके 16,000 प्राइसेज हमने कर दिए हैं, राइट. होता क्या है रिथम? देखो, अगर हम बात करें कि रिदम इन आर्ट इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एन इंटरेस्टिंग कंपोजिशन दैट वुड फर्स्ट ऑफ ऑल कैच द व्यूअर्स आईज एंड कंटिन्यू टू मूव द आई इन एंड अराउंड ऑल पार्ट ऑफ द आर्ट वर्क. देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि रिदम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बच्चे थोड़े कन्फ्यूज होते हैं समझने में. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई भी कंपोजिशन के अंदर रिदम होता ही होता है. इट इज़ नॉट अ कंपोजिशन, लेकिन ये देखा गया है. सो इंटरेस्टिंग कंपोजिशन दैट वुड आई फर्स्ट ऑफ ऑल कैच द व्यूअर आईज. अगर रिदम होता है तो आप अटेंशन ग्रैब करते हो व्यूअर की. अटेंशन का मतलब आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी क्यों लगेगी, जब लोग आपकी ड्राइंग को देखेंगे. और देखेंगे क्यों? क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है या फिर आर्ट वर्क है उसमें ऐसा कुछ है जो लोगों को अटेंशन प्रोवाइड करा रही है, राइट. तो देखते हैं, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. पहले हम लेकर चलते हैं रिदम को, म्यूजिक में समझना ज़्यादा आसान है. आपने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप डांसर हैं या आपके कोई फ्रेंड हैं, अगर वो डांसर हैं, अगर आपको डांस करने के लिए बोलेंगे तो कभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कौन सा सॉन्ग होने वाला है, या फिर व्हाट इज़ अ सॉन्ग, और वो क्या करेंगे, कोई गाना आप बजाएंगे उसको, उसको 1-2 सेकंड, 4-5 सेकंड उसको समझेंगे, उसके बाद वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं. पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बीट और रिदम को पकड़ लेते हैं. बीट का मतलब क्या है कि जैसे ये आवाज़ आ रही है आपको, टिक टिक की आवाज़ आ रही है, सो दिस इज बीट. अब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, होता है ना एक म्यूजिक के अंदर. अभी कोई सा भी गाना देखोगे आप, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी गाना चलाओगे देखोगे, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद एक पैटर्न रिपीट होता है, और जब ये रिपीट होता है आपको सुनने में अच्छा लगता है, एक मेलोडियस वाली फीलिंग आती है, और इसी को हम रिदम बोलते हैं. आई होप ये काफ़ी ईजी रहा. द म्यूजिक वी हेयर एंड द डिफरेंस बीट्स प्रोड्यूस अ फिजिकल रिएक्शन फ्रॉम अस, मेकिंग अस मूव अवर बॉडी,
टू द रिदम, अलाउइंग अस टू एक्सप्रेस द इनर सेंसेशन साउंड प्रोड्यूस्ड। होता है ऐसा, क्लियर? अगर हम बात करें, फिर से आपको बता देता हूँ, जैसा अपना बीट का मतलब होता है कि स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो दीज आर द बीट्स। अब ये क्या होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद, जो टाइम पीरियड होता है उसको टेम्पो बोलते हैं, तो उसके बाद ये रिपीट होते हैं सेम चीज़, तो इसको हम बोलेंगे रिदम। और जो डांसर होता है वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं। क्लियर? इन विजुअल आर्ट इन मोस्ट केसेस द वर्क इज स्टैटिक। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आप पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट वर्क बनाते हैं, वो स्टैटिक होती है ना, उसके अंदर 2D डायमेंशन है। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द लाइन, शेप, कलर एंड ब्रश स्ट्रोक्स, लाइट एंड स्पेस दैट द आर्टिस्ट इज एबल टू प्रोड्यूस द रिदम इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द मोमेंट। अब हमारे जो आर्ट वर्क है वो स्टैटिक है, लेकिन हमें दिखाना है मोमेंट, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? उसे कुछ तरीके होते हैं, लाइक वी कैन यूज द लाइन, वी कैन यूज द शेप, कलर, ब्रश स्ट्रोक्स हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, शेडिंग हो सकती है, स्पेसिस हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी आर्ट वर्क के अंदर मोमेंट को दिखाता है। एंड डोंट वरी, अभी मैं आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, बहुत सारे पेंटिंग्स आने वाले हैं जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिलीव मी, जस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स, आई हैव नो आइडिया कि वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है, और जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो सोचता भी नहीं हूँ, राइट? फॉर द क्रिएशन ऑफ द लाइफ विद इन अ फ्लैट सरफेस। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या है रिदम की, सो रिदम रिफर्स टू द मोमेंट और द विजुअल फ्लो विद इन अ सर्टेन पीस। मतलब एक तरह का मोमेंट है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं विजुअल फ्लो है। फ्लो का मतलब एक डायरेक्शन से फ्लो होता हुआ जा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिदम। इट इज समटाइम ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ टेम्पो और अ बीट क्रिएटेड दैट इन्वाइट्स द आईज टू एंटर इन टू द जर्नी ऑफ द आर्टिस्ट सोल डिस्प्लेड ऑन द कैनवस और टू हेल्प द आई ट्रेवल एंड रीच इट पॉइंट टू द फोकस। जैसा हमने पहले थोड़ी देर बात करी थी कि अटेंशन ग्रैब करने काम आता है। अगर आपको और भी ईजी लैंग्वेज में समझाया जाए जो डेफिनेशन है, रिदम इज मोमेंट, मोमेंट है, फ्लक्चुएशन है या वेरिएशन है मार्क्ड बाय द रेगुलर रिकरेंस। मतलब अभी वाइब्रेशन हुई है या फिर वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, ये मोमेंट है। ये कब होती है? जब रेगुलर रिकरेंस और नेचुरल फ्लो और रिलेटेड एलिमेंट्स। आप गाड़ी का टायर लेकर चलते हैं, गाड़ी का टायर क्या होता है, मूवमेंट कैसा आती है? जब ये टायर लेट से यहाँ पर ही पॉइंट है, दोबारा घूमकर यहाँ पर आ जाता है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट कैसा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि रेगुलर रिकरेंस, बार बार सेम चीज़ हो रही है और ये टायर मूवमेंट कर रहा है, ये नेचुरल फ्लो और रिलेटेड एलिमेंट। अब वो टायर हो सकता है या फिर ट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खैर, अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा, आई नो, लेकिन अब बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। अ रिदम आर्ट एग्जाम्पल वुड बी अप्लाइंग सिमिलर कलर नेक्स्ट टू दी वन अनदर इन ए सीक्वेंस और एन अरेंजमेंट ऑफ द शेप ऑफ द लाइन। आप उसके लिए आप सिमिलर कलर यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा मान के चलो, लाइक आपके पास पेन, स्केच पेन्स हैं, और वो आपने ऐसा कुछ ग्रिड में शेड रखे हुए हैं, लाइक यहाँ पर ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर स्काई ब्लू, उसके बाद फिर ये सेम चीज़ रिपीट होती है, तो आपको यहाँ पर रिदम देखने को मिलेगा। That creates a flow or a movement to the artistic composition and as a result, this flow movement creates a rhythm. ठीक है, अभी कितने तरह का होता है, कुछ लोग बोलते हैं 3, कुछ लोग बोलते हैं 5, कुछ लोग बोलते हैं 1 तरह का ही होता है। सो हम लोग 5 types of the rhythm पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी है समझने के लिए। सबसे पहले आता है रेगुलर रिथम। रेगुलर रिथम का मतलब क्या होता है कि रेगुलर है, सिंपल है, विच सिंपली नेम इज सजेस्ट, लाइक इट्स अ रेगुलर। और रेगुलर रिदम इज कंसिस्टेंट विद इट्स मोटिव। मतलब अगर कोई भी पैटर्न या फिर कोई मोटिव है किसी भी आर्ट एलिमेंट का, वो सेम टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिदम, राइट? वेदर डिफरेंट आर्ट एलिमेंट्स आर यूटिलाइज, फॉर एग्जाम्पल या कलर रिपीट हो रहा है, या लाइन रिपीट हो रही है, शेप रिपीट हो रहा है, देर आर अरेंज इन इवन एंड कंसिस्टेंट पैटर्न। However, usually similar art elements or motif are arranged to create regularity. Normally, similar element को बार बार यूज किया जाता है जिसके अंदर रेगुलर रिदम लाने के लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने हार्ट बीट का देखा होगा ना, ICU में जाते हैं तो एक ऐसा ग्राफ चलता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ देर के बाद सेम चीज रिपीट होती है, लाइक ये जो ये वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं सेम रिपीट होता है। और
आगे भी जाएंगे इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर आता है, तो कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ रिपीट हो रही हैं एंड ऑन द रेगुलर इंटरवल, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिदम। ये हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लॉक है, क्लॉक के पास चलती है टिक 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 टिक, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलर रिदम। और भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पर लिखा है कि टैप ड्रिपिंग, अगर आपने पानी का टैप खोल दिया है उसमें ड्रॉप्स आ रही हैं कुछ सेम टाइम के बाद आती जा रही हैं, तो हम उसको बोलेंगे रेगुलर रिदम। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंसिस्टेंट रिदम बोला जा सकता है, बट मीनिंग सब सेम है। अब इसको हम आर्ट वर्क में कैसे देखेंगे, थिंक ऑफ ए ड्रॉइंग रिपीटिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नेक्स्ट टू और ऑन टॉप और ऑफ अनदर इवनली स्पेस, इट विल क्रिएट एन इवन विजुअल रिदम। मतलब आप ऐसा ड्रॉइंग सोचो कि वहाँ पर एक एलिमेंट है ऐसा रखा हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर रखा हुआ, उसके बाद सेम डिस्टेंस के बाद आपके ऐसा कुछ रखा हुआ है, या फिर इट कैन बी वर्टिकल एज वेल। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप उसको बोलेंगे रेगुलर रिदम। जो ये पेंटिंग है ये है ऑन लेक जेनेवे, ऑल इन रिदमिक शेप्स हैं बाय फर्डिनेंड होडलर। सो इफ देर, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो ये लाइंस रिपीट हो रही हैं, ये वाली लाइन ये क्या आपको दिखा रही हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आ रही हैं, सो हम उसको बोलेंगे रेगुलर रिदम। इवन जो डायगनल लाइन है ये वाले पार्ट है, ये आपको दिखाता है रेगुलर रिदम। ठीक है, हाँ एक चीज होती है कि इफ देयर इज अ टू मच और अ रेगुलर रिदम इन आर्ट कंपोजिशन इट अपियर्स बोरिंग और टू रिपीटेटिव। ठीक है, अब एक टर्मोलॉजी आती है रिपीटेशन, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे इन अनदर वीडियो। तो अगर हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिपीटेशन भी देखने को मिलता है। देखो आर्ट वर्क एक तरह से वेरी सब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस ड्राइंग के अंदर एक्स एलिमेंट है या नहीं है। एक्स एलिमेंट की परसेंटेज हो सकती है कि बहुत कम है या फिर एक नॉर्मल लेवल पर है या फिर ज़्यादा लेवल पर है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्ट वर्क के अंदर आपको कुछ और डिफरेंट एलिमेंट दिखाई देते हैं और आपके फ्रेंड को कुछ और एग्जामिनर को सब कुछ अलग, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव होती है एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ड्राइंग, या फिर हम बोले आर्ट की ब्यूटी यही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पेंटिंग आ गई है, तो ये पेंटिंग किसकी है, फॉल ड्राइंग की है, ग्रैंड वुड। यहाँ पर देखेंगे कि आपको रेगुलर रिदम देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर बनाए गए हैं वाले पार्ट तो सेम डिस्टेंस पर इनको रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको देख कर लग रहा है रिदम है। सो हेयर वी सी द मिडल ऑफ द कंपोजिशन इज अ रेगुलर रिदम क्रिएटेड बाय द लार्ज ग्रास बंडल ऑन द प्लाउड फील्ड एज वेल एज द प्लाउड लाइन्स इन द फोरग्राउंड ऑफ द कंपोजिशन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हुआ रेगुलर रिदम का। आई होप क्लियर है रेगुलर रिदम क्या होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ रो ऑफ पॉपुलर ट्री लाइन द रिवर एप्टे, और कर जो आर्टिस्ट थे इनका नाम था क्लेडी मोनेट। यहाँ पर क्या है कि ये प्लांट जो है सेम लगे हुए हैं और लगभग सेम रेगुलर, ये हम बोलेंगे कि सिमिलर टाइम इंटरवल के बाद या सिमिलर डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये हुआ रेगुलर रिदम का। आई होप क्लियर है। अब आता है कि ऑल्टरनेटिंग रिदम क्या होता है, नाम से क्लियर है ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या है। एंड ऑल्टरनेटिंग रिदम इन आर्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ ऑफन टाइम्स टू, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मली दो ही एलिमेंट होते हैं। डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं अरेंज इन ए पैटर्न, जो एक पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सम आर्ट सोर्स। एंड ऑल्टरनेटिंग रिदम इन आर्ट इज लाइक ए रेगुलर रिदम, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव रिदम जो है वो रेगुलर रिदम ही है बट विद मोर इंट्रीकेसीज। हाँ थोड़ी सी इंट्रीकेसीज बढ़ जाती हैं, समटाइम्स शेप्स और प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक ऐसा है तो हो सकता है कि ऐसा है, अगर एक मैं एक मून बनाता हूँ तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी जो डायरेक्शन है चेंज हो सकती है, या फिर उनकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो सकता है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रिदम इन आर्ट इज दैट ऑफ द चेस बोर्ड विद ए ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हाइट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, फिर यहाँ पर ऑल्टरनेट, एक बार ब्लैक एक बार व्हाइट, एक बार ब्लैक एक बार व्हाइट। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऑल्टरनेटिंग रिदम। अगर हम बात करें पेंटिंग में कैसा आ सकता है, तो सुरलिस्ट जो थे आर्टिस्ट थे एम सी एक्नर, एकर की जो लिजर्ड पेंटिंग बनाई थी 1942 में,
यहाँ पर आप देखेंगे, सो इन विच वी सी ए ऑल्टरनेटिंग लिजार्ड शेप्स इन ए ब्राउन। तो यहाँ पर आपको तीन तरह की लिजर्ड देखने को मिलेंगी, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। सो इट इज़ अ ब्राउन, इट इज़ अ ब्लैक एंड द वाइट। सो हियर यू कैन सी इट इज़ अ वाइट, इट्स अ ब्राउन एंड अ ब्लैक, ईच मोल्डेड अलॉन्ग साइड द अदर। और ये आपस में ऐसा फिक्स की गई हैं, वाइल देर इज नो एविडेंट गैप्स बिटवीन द लिजर्ड। अगर आप देखेंगे कोई भी गैप नहीं है इसमें, जो ब्लैक वाली लिजर्ड है कहीं पर भी देखेंगे, सो इट्स ऑल फिल्ड। सो देर इज नो एविडेंट गैप्स बिटवीन द लिजर्ड शेप्स, द ऑल्टरनेटिंग कलर एंड द स्पेसिफिक अरेंजमेंट गिव द कंपोजिशन यूनिक रिदम। और जो डिफरेंट कलर यूज हुए हैं, तीन कलर, और जो उनका ओरिएंटेशन है, जो उनको कंपोज किया गया अरेंजमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको एक रिदम देता है, दैट डज नॉट मेक इट्स अपीयर टू क्लटर्ड। तो यहाँ पर हमें इसको देखने को मिलेगा ऑल्टरनेटिंग रिदम। इसमें तीन एलिमेंट हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एंडलेस रिदम है बाई रॉबर्ट डिलोने। सो देर इज एन ऑल्टरनेटिंग रिदम क्रिएटेड बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स हेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द लार्ज ब्लैक एंड व्हाइट सर्कल, अगर आप देखेंगे लार्ज ब्लैक एंड व्हाइट सर्कल, देर इज ए ऑल्टरनेटिव कलर बॉर्डर टू द टॉप एंड द बॉटम सर्कल। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर यूज हुआ है, यहाँ पर नीचे इसका ऑल्टरनेटिंग येलो है, यहाँ पर ब्लू कलर यूज हुआ है, तो यहाँ पर इधर ऑल्टरनेटिंग येलो एंड ब्लू कलर है। बोर्डिंग ऑन द टॉप एंड बॉटम सर्कल, द टॉप सर्कल लेफ्ट हाफ इज येलो एंड द राइट हाफ इज ब्लू, वाइल द बॉटम सर्कल इज लेफ्ट हाफ इज ब्लू एंड द राइट हाफ इज येलो। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर ब्लू है और उसके ऊपर वाले के अंदर राइट और ब्लू है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर लेफ्ट है। फर्दर मोस्ट द ब्लैक, द बिग ब्लैक एंड द वाइट सर्कल अपीयर्स अंडरनीथ द स्मॉलर ऑल्टरनेटिंग इन कलर। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो ये वाला पार्ट है ये बैकग्राउंड में है, और जो ये वाले हैं जो कलर्स हैं ये आपके फोरग्राउंड में, ऑल्टरनेटिंग कलर्स यूज हुए हैं, ग्रे एंड ब्लू सर्कल्स ऑन द टॉप। क्लियर। देर आर फर्दर मोस्ट कॉन्ट्रास्टेड बाई द ऑल्टरनेटिंग कलर्स ऑफ द थिक लाइन स्वर्लिंग थ्रू द क्रिएशन सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको देखने को लग रहा है कि कोई चीज रिपीट तो हो रही है लेकिन ऑल्टरनेटिवली रिपीट हो रही है, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ द ऑल्टरनेटिव रिदम। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ आपको। अगला आता है फ्लोइंग रिदम। फ्लोइंग का मतलब नाम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपको फ्लो वाली फीलिंग आएगी। पढ़ते हैं इसको। अ फ्लोइंग रिदम इन आर्ट इज व्हेन अ पैटर्न फ्लोइंग द ऑर्गेनिक पैटर्न मेड बाय द नेचर। देखो जो नेचर है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में, शार्प एजेस में काम नहीं करती है। आपको कोई भी नेचुरल चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेट लाइन में हो या फिर शार्प एजेस निकली होती हैं ऐसी। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो 90 डिग्री पर या फिर किसी कॉनिकल शेप में बना हुआ हो या स्ट्रेट लाइन हो, नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि ये ऑर्गेनिक शेप्स नहीं होती हैं। ठीक है, सो अ फ्लोइंग रिदम इन आर्ट इज व्हेन अ पैटर्न फ्लोज द ऑर्गेनिक पैटर्न मेड बाय द नेचर विच आर टिपिकली सर्कुलर और द कर्व लाइन एंड शेप एंड ऑफन डिस्क्राइब एज अ अंड्यूलेटिंग विच मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक पैटर्न यूज किया जाता है जो कि नेचर में इजीली अवेलेबल है, विच आर टिपिकली सर्कुलर हो सकता है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि सर्कुलर पैटर्न होता है देखने के लिए, या फिर कर्व लाइन हो सकती है, कर्व इस तरह की लाइन हो सकती है, शेप एंड ऑफन डिस्कवर्स अंडुलेटिंग विच मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग यूजली इन द फॉर्म ऑफ द वेव। फ्लोइंग रिदम इन आर्ट प्रोवाइड्स अ विजुअल कंपोजिशन विद मोर कैरेक्टर एंड डायनामिज्म। अगर कहीं पर भी फ्लो देखने को मिलता है किसी भी आर्ट वर्क के अंदर, और फ्लो दिखाता है एक मूवमेंट को, ये पोर्ट्रे करता है कि कहीं ना कहीं डायनामिज्म है, मतलब मूवमेंट है होने वाली है, स्पेशली इफ इज अ वेव इज पोर्ट्रेट। अगर अब आपके यहाँ पर क्या है, एक वेव बनाई हुई है, यहाँ आपको क्या लग रहा है, पेंटिंग तो स्टैटिक है लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मूवमेंट है, इस पूरी की पूरी आर्ट वर्क के अंदर मूवमेंट है, क्योंकि एकदम से आग और ऊपर भी जाएगा या फिर ये जो ड्रॉप्स हैं या जो फिर ये वाटर है ये गिरने वाला है, सो इट इज अ मूवमेंट इज देयर। आप ऐसा समझो कि एक एथलीट है या फिर एक काम करते हैं, ऐसा समझते हैं क्रिकेटर है कोई, उसने अपने देखते भी आईपीएल चल भी रहा है अभी, तो अगर आप देखते हैं कि बैट्समैन ने सिक्स मारा तो उसकी फोटो आती है, अगर उसको हम लोग वीडियो को पोज कर दें तो वीडियो तो पोज हो गई लेकिन दिखता है ना डायनामिज्म, या फिर कोई बॉलर है कैच करने वाला है तो उसको बोलते हैं डायनामिज्म। ठीक है, मोमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलेगी। अब जो ये एग्जाम्पल है ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, सो द ग्रेट वेव ऑफ कनागवा, और ये जैपनीज पेंटर थे, उनका नाम था काटुशिका होकुसाई। सो इन दिस कंपोजिशन वी सी अ लार्ज वेव टू द लेफ्ट ऑफ
टू एनवलप द स्मॉल बोट ऑन द ओशन सरफेस। तो यहाँ पर हमें देखने को लगती है कि जो लार्ज वेव है ये कहीं ना कहीं जो ये बोट है उसको एनवल मतलब उसको ढकने वाली है। द लार्ज वेव इज सराउंडेड बाई अदर स्मॉलर वेव्स। अगर आप एक ये नोटिस करेंगे कि जो लार्ज वेव है वो दूसरी वेव्स के साथ भी सराउंड की गई है कि ये वेव है, ये वाली वेव है, ये वाली वेव है। एंड कर्व दैट गिव द एंटायर कंपोजिशन अ फ्लोइंग रिदम। और कहीं ना कहीं आपको देखने को लगता है कि फ्लोइंग रिदम देखने को मिलता है। एंड अनडाउटली अ डायनामिक मोमेंट। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हाँ इमेज तो स्टैटिक है लेकिन कहीं ना कहीं एक मोमेंट भी आपको प्रतीत होता है विच ऑल्सो इवोक इमोशनल एस्पेक्ट। ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो द नेम ऑफ द पेंटिंग एंड द पेंटर। एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, नाम है ही स्क्रीम, जो आई थी एडवर्ड मंच ने बनाई थी 1893 में। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये स्ट्रोक्स यूज़ किए गए हैं ये फ्लो की तरह यूज़ किए गए हैं, आपको देख कर लगेगा फ्लोइंग मूवमेंट देखने को लगेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो हेयर द फ्लोइंग रिदम इज क्रिएटेड बाय द स्वर्लिंग ब्रश स्ट्रोक एविडेंट इन द स्काई एंड द लैंडस्केप सराउंडिंग। तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको स्काई में या फिर जो यहाँ पर है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लैंडस्केप सराउंडिंग द स्क्रीमिंग फिगर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज हु इज ऑल्सो पेंटेड इन फ्लोइंग ब्रश स्ट्रोक। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पेंटिंग की गई है, जो ये पूरा पेंट किया गया है, यही पर भी आपको फ्लोइंग ब्रश स्ट्रोक लगाए गए हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको कोई भी ब्रश स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे। द एंटायर कंपोजिशन इज अंड्यूलेटिंग एंड द रिदम क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इक्वालिटी, इमोशनल क्वालिटी। सो जो एग्जाम्पल है ये पेंटिंग भी याद रखना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है हिज स्क्रीम्स। इस पेंटिंग को हम कैसे भूल सकते हैं अगर कोई मोमेंट की बात होती है। वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग। इसका नाम है द स्टारी नाइट्स। और ये किसने बनाई थी, द आर्टिस्ट वॉज विंसेंट वैन गॉग। सो इन दिस कंपोजिशन वैन गॉग डिपिक्ट अ स्टारी नाइट स्काई इन स्ट्रॉन्ग स्वर्लिंग ऑफ पेंट, द टेक्सचर ऑफ द पेंट फर्दर एम्फेसाइज इज डायनामिज्म। मतलब आपको मूवमेंट दिखाई देता है यहाँ पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिदम, आपको यहाँ शेप्स तो देखने को मिल रही हैं लाइक मूवमेंट के, आप देखेंगे वेव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिसका पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इसको और एम्फेसाइज करता है, ठीक है, फ्लोइंग रिदम को। जो पैटर्न है, टेक्सचर की बात करें, देख के लगता है कि यहाँ का जो टेक्सचर है काफ़ी रफ है, यहाँ का फ्लो स्मूथली दिखाई देता है। पैटर्न क्या होता है या फिर टेक्सचर क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे इन कमिंग वीडियोस। फिर आता है प्रोग्रेसिव रिदम। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, ऐसे मान के चलते हैं कि आपके 10th स्टैंडर्ड में 70% नंबर थे, 11th के अंदर आपके 80% नंबर रहे एंड 12th के अंदर 90% आपके नंबर आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोग्रेसिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ रिदम में किसी आर्ट वर्क में देखने को मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव रिदम। आई थिंक क्लियर है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं डेफिनेशन की फॉर्मेट में। सो प्रोग्रेसिव रिदम इन आर्ट अकर्स व्हेन एनी आर्ट एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, ये कलर हो सकती है या शेप हो सकता है या फॉर्म हो सकती है, अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस और पैटर्न इन चेंज। मतलब कोई भी जो कलर है, शेप है या फॉर्म है वो एक सीक्वेंस में अरेंज की गई है और जो सीक्वेंस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। द वर्ड प्रोग्रेशन इम्प्लाइज एन एडवांसमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट और आइदर अ सीरीज और अ सीक्वेंस और ऑब्जेक्ट और फिगर। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज, जो ये बार्स हैं ये बड़े होते जा रहे हैं। सो इसको मिलाओ, द वर्ड प्रोग्रेशन इम्प्लाइज एन एडवांसमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर आपको देखने लगता है एडवांस मूवमेंट, आइदर अ सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और अ फिगर। हाउएवर इट कैन ऑल्सो मीन दैट सम टाइम एडवांसेज और रिसीड इन साइज एंड स्पेसेज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ना ही चाहिए, हो सकता है कि कोई बार ऐसे हैं छोटा होता हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव रिदम। देयर कैन चेंज इन साइज और शेप और दे कैन रिमेन द सेम बट ओनली बी व्यूड फ्रॉम एन एंगल परस्पेक्टिव इन स्पेस विच विल गिव देम ए प्रोग्रेसिव अपीयरेंस, अदरवाइज आर्ट एलिमेंट कैन बी
in different colors, giving it appearance of the progression. बड़ी फेमस पेंटिंग है, इसका नाम है थ्री फ्लैग। जो मैं पेंटिंग का नाम बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है वो, कि उनकी लिस्ट बना लेना और उसको थोड़ा सा चेक कर लेना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नाटे ने लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन पूछे थे तो शायद इस बार भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो द पेंटिंग नेम इज थ्री फ्लैग्स, 1958 में बनाई गई थी और अमेरिकन आर्टिस्ट थे जेस्पर जॉन्स। सो इन दिस पेंटिंग देयर आर थ्री अमेरिकन फ्लैग्स प्लेस ऑन द टॉप टू अदर। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो बड़ा वाला फ्लैग है, दूसरा फिर ये वाला फ्लैग है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एंड दिस इज द थर्ड फ्लैग। ठीक है, बड़ा वाला तो है ही। अमेरिकन फ्लैग प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर, हाउएवर ईच फ्लैग बिकम लार्जर इन द साइज। तो अगर ये पहला फ्लैग है, दिस इज सेकंड फ्लैग एंड द थर्ड फ्लैग, सो आप देखेंगे यहाँ पर साइज बड़ा होता हुआ जा रहा है। एज इट रिसीडिंग इन टू द बैकग्राउंड द टॉप फ्लैग इज द स्मॉलेस्ट, अलाउिंग अस टू सी दी अदर टू बिहाइंड इट। और सबसे ऊपर वाला जो फ्लैग है ये छोटा बनाया है, जिससे कि आप बाकी के फ्लैग देख सको। ऑफकोर्स अगर पहले वाला ही इतना बड़ा बना दोगे, पीछे कुछ ही बनाते रहो, कुछ दिखा ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोग्रेस से रिधम हमें देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे शेल है, तो यहाँ पर आप चेक देखेंगे कि जो ये वाला एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें प्रोग्रेस से रिथम देखने को मिलेगा। लास्ट आता है रैंडम रिथम। सो रैंडम का नाम से क्लियर है, रैंडम का मतलब कुछ भी, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। रैंडम रिथम इन द आर्ट रिफर्स टू द रैंडम एप्लीकेशन ऑफ द आर्ट एलिमेंट। मतलब आप डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंटली यूज़ कर रहे हो, देर इज़ नो ऑर्डर टू हाउ द सीक्वेंस और द पैटर्न आर प्लेस इन द कंपोजिशन। जैसे रेगुलर रिदम के बारे में बात करी थी, तो अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो बार बार सेम डिस्टेंस पर होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, कहीं पर भी हो सकती है। और अगर ऐसा होने के बाद आपको रिदम देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे रैंडम रिदम। जैसे पेंटिंग ऑटोमन रिदम के नाम से पेंटिंग है, नंबर 30, 1950, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये पेंटिंग भी। सो हेयर वी सी वेरियस कलर्स और पेंट स्प्लैश्ड ऑन टू द कैनवास इन व्हाट अपीयर्स एज अ लाइन। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर यूज़ किए गए हैं, लाइन यूज़ की गई हैं, सम टाइम सम आर लॉन्ग, कुछ बड़ी लाइनें हैं, कुछ छोटी लाइनें हैं, कुछ थिक लाइनें हैं, कुछ थिन लाइनें हैं, पतली है, मोटी है, कुछ कर्व लाइन्स हैं, कुछ ट्वेल्ड हैं, कुछ लीनियर लाइन भी हमें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लीनियर लाइन, दिस इज द लीनियर लाइन। देर आर ऑल्सो वेरियस डॉट्स ऑफ पेंट। तो यहाँ पर हमें जो रिदम देखने को मिल रहा है, हाँ रिदम तो देखने को मिल रहा है, बट हम इसको ये नहीं कह सकते प्रोग्रेसिव रिदम है या फिर रेगुलर रिदम है या ऑल्टरनेटिव रिदम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देखने, हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज अ रैंडम रिदम। और दिखाता हूँ, ये जो पेंटिंग है इसका नाम है यंग कॉर्न बाय द अमेरिकन आर्टिस्ट ग्रांट वुड। सो इन दिस पेंटिंग वी सी लैंडस्केप ऑफ एक्सपेंसिव फील्ड लीडिंग इन टू द डिस्टेंस। देर आर डिफरेंट रिदम डिपेक्टेड इन द कंपोजिशन विच मेक इट्स रैंडम। कैसा है देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये वाला रिदम है, ये कुछ और रिदम दिखा रहा है इस वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और रिदम है, यहाँ पर कुछ और रिदम है, और जो यहाँ कर्व लाइन्स हैं ये कुछ और दिखाती हैं। देखते हैं, द रिदम एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड द अंडुलेटिंग हिल्स एंड कर्व्ड लाइंस फ्रॉम द रोड। तो यहाँ पर देखो ये रोड भी कर्व है और यहाँ पर जो ये अंडुलेटिंग जो हिल्स बनाए गए हैं, द लाइन ऑफ द ट्रीज ऑफ द राइट एज वेल एज ऑफ द लाइन फ्रॉम द फील्ड दैट मोल्ड अलोंग द स्मूथ कर्व्स ऑफ द हिल्स, दिस ऑल अपीयर्स फ्लोइंग इन देयर रिदम। और यहाँ पर आपको क्या रिदम देखने को मिलता है, आप बोलेंगे सर तो फ्लोइंग रिदम नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, यहाँ पर फ्लोइंग रिदम ही है, लेकिन यहाँ तक फ्लोइंग रिदम है, हर जगह फ्लोइंग रिदम देखने को नहीं मिलेगा। दिस ऑल अपीयर्स आर फ्लोइंग इन द देयर रिदम एंड देर इज ऑल्सो रेगुलर रिदम डिपेक्टेड इन द प्लॉट फील्ड इन द फोरग्राउंड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर रिदम देखने को मिल रहा है, सेम डिस्टेंस के बाद, सेम चीज के बाद, सेम चीज रिपीट हो रही है, द मिडिल ग्राउंड और फार द बैकग्राउंड। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो ये इस पेंटिंग के अंदर रिदम कौन सा है, इट इज रैंडम रिदम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिदम होता क्या है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन बचना चाहिए,
अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक करो. एंड बिफोर आई कंक्लूड, दिस इज़ द वेरी फेमस पेंटिंग अंडर ग्रोथ विद द टू फिगर्स बाई विंसेंट वैन गॉग. मुझे इनकी पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है. अगर मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडियो है वहाँ पर ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हूँ इनकी. आई लाइक दिस काइंड ऑफ द कलर्स एंड दी लाइक जो टेक्स्चर्स है. तो आपको यहाँ पर बताना है कि विच टाइप ऑफ द रिदम कैन बी सीन हियर इस पेंटिंग का, के अंदर आपको बताना है रेगुलर रिदम है, प्रोग्रेसिव है, फ्लोइंग है, या फिर ऑल ऑफ दी ऑफ, सब कुछ आपको रिदम देखने को मिलेगा. इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ. जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे या फिर मैं कमेंट सेक्शन में जो बच्चा भी सही जवाब देगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा और उसको पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी बच्चों को पता चल सके. तो आप इसका जवाब आई विश आपको मिल गया होगा. बाकी अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं डेडिकेटली तैयारी करने के लिए. पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप हमेशा की तरह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ कमी है तो आप बताइए, वी कैन इम्प्रूव दैट थिंग.